इससे हम लोग 100 गुना बेटर करके हम लोग का टारगेट जो है, हम लोग का कोशिश जो है 6 महीना के अंदर अतिशो जिला का हर ब्लॉक और पंचायत तक हमारे संगठन अतिशो तक पहुँचाना है। इसके साथ हमारे सारे संगठन के जिला अध्यक्ष सक्रिय हैं, बहुत लोगों ने आया हुआ है, कुछ लोगों ने भी जिला अध्यक्ष और प्रदेश के लोगों से बढ़ता हुआ। हम लोग अगला चुनाव हो या कुछ कोई भी हिंदू मुद्दा हो, जनता के साथ हर समय गरीब जो भी हमारे साथ हो रहा है बिहार में विकास के लिए। इलेक्शन में किसी और के साथ अलायंस भी करेंगे क्या? देखिए इलेक्शन में सिचुएशन उस समय क्या होगा, रणनीति क्या, रणनीति होगा क्या, समीकरण होगा, उसका डिसीजन अपने नहीं दे सकते। कंडीशन जैसा रहेगा वैसा हम लोग डिसाइड करेंगे। मेरा नाम रमेश कुमार सिंह है, मैं हिंदू समाज पार्टी प्रदेश अध्यक्ष हूँ। मुझे आमंत्रित किया गया था और हम लोग आज की यह बैठक इसलिए कर रहे हैं कि अभी जो चुनाव हुआ था विधानसभा का बिहार में, उसमें हमारे तरफ से, हमारे पार्टी की तरफ से 25 उम्मीदवार लगभग दिए गए थे। तो हम लोग एक समीक्षा बैठक कर रहे हैं कि हमारे उम्मीदवार का परफॉर्मेंस कैसा रहा, और अच्छा नहीं रहा तो क्यों अच्छा नहीं रहा, आगे हम लोग किस प्रकार से प्रदर्शन अच्छा कर सकते हैं, साथ ही साथ पूरे प्रदेश में और पूरे देश में हम लोग पार्टी को कैसे मजबूत कर सकते हैं। और बिहार के पास में आपको बंगाल है जहाँ विधानसभा चुनाव होने हैं, असम में विधानसभा चुनाव होने हैं, उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने हैं, तो हम लोग यहाँ भी प्रत्याशी दे रहे हैं, तो उसके लिए भी हम लोग मंथन कर रहे हैं कि किस प्रकार से वहाँ पे हम अच्छा से अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं। सर आगे की रणनीति क्या रहेगी आप लोग की? सर आगे की रणनीति हम लोग की जो है वो सिर्फ और सिर्फ एक ही है, हिंदुत्व की। हम लोग हिंदुत्व के एजेंडे पर काम कर रहे हैं और भारत में पहली बार ऐसा हुआ है तो सच मायने में हिंदुओं की कोई पार्टी आई है। हम लोग यह काम नहीं करेंगे कि हिंदू से वोट ले लेंगे और जब सत्ता में आएंगे तो हिंदू को ही साइड कर देंगे। बड़गला के वोट लेने का काम हम लोग नहीं करेंगे। हिंदुओं के लिए अभी तक जो भी पार्टी आई थी उन सब के ऑप्शन के तौर पर जनता के बीच में हम जाते हैं तो सारे जनता का कहना होता कि हम लोग के पास ऑप्शन क्या है, जो ठग रही है वो इसी के साथ हम लोग को चलने का ऑप्शन है। तो उन सबको मैं एक ऑप्शन के तौर पे हिंदू समाज पार्टी के रूप में देना चाहता हूँ कि आप लोग हिंदू समाज पार्टी को चुनें और हिंदू समाज पार्टी ने हिंदुत्व के लिए अपने पूर्व राष्ट्रीय संयोजक का बलिदान भी दिया है जो कि पूरे हिंदुस्तान के हिंदू जानते हैं, यह हमें बताने की आवश्यकता नहीं है। अपना परिचय सर। मैं संतोष कुमार भारद्वाज, राष्ट्रीय संयोजक हिंदू समाज पार्टी। क्या कुछ एजेंडा है आगे के समय में पार्टी की और क्या परफॉर्मेंस रहा बिहार विधानसभा चुनाव में, आप लोगों ने क्या किस तरह से शिरकत किया, क्या कुछ रहा एजेंडा? हिंदू समाज पार्टी के बिहार प्रदेश कार्यकारिणी की तरफ से आज यह बैठक का आयोजन इसलिए किया गया है कि पिछले विधानसभा चुनाव में हमारी पार्टी की जो चुनाव का कार्यक्रम रहा उसमें लगभग 25 उम्मीदवार हमारी पार्टी की तरफ से बिहार प्रदेश में दिया गया, उसी चुनाव को लेके हम लोग आज समीक्षा बैठक कर रहे हैं एवं आगे हम लोग को बिहार प्रदेश में किस प्रकार से पार्टी को आगे बढ़ाना है और कितना तेजी से आगे बढ़ाना है, इसी पर हम लोग समीक्षा बैठक आज करने वाले हैं। हिंदू महासभा पार्टी है, हिंदू समाज पार्टी नहीं, हिंदू समाज पार्टी है। आप लोग के विचारधारा से संबंधित कोई पार्टी है बिहार में जिससे आप लोग तालमेल करके आगे चुनाव में या आगे? हिंदू समाज पार्टी सिर्फ बिहार प्रदेश की ही पार्टी नहीं है, हिंदू समाज पार्टी के बिहार के साथ साथ उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान और खुशी होगा कि असम में भी हमारा संगठन है और इस बार असम के विधानसभा चुनाव में भी हमारी पार्टी उम्मीदवार दे रही है, साथ ही साथ बंगाल में भी हम लोग उम्मीदवार देने पर विचार कर रहे हैं। रही बात बिहार की गठबंधन की, तो हम लोग आज तक यही सुनते आए हैं कि कुछ एक पार्टियां हैं जो कभी अन्य धर्म पे, अन्य धर्म की बात करके सबको, जनता को बड़गलाने का काम किए हैं, लेकिन हम लोग सिर्फ हिंदुत्व की बात करते हैं और हिंदुत्व को हम लोगों ने अपना प्रमुख एजेंडा बनाया है और सिर्फ हिंदू हिंदू बोलकर और सत्ता में जब काबिज होने की बात बारी आती है, बात आती है तो दूसरे धर्म के व्यक्तियों को हम लोग मौका देने का काम नहीं करेंगे। हम लोग हिंदुत्व के मुद्दे पर ही लड़ेंगे चुनाव, हिंदुत्व के मुद्दे पर ही जनता के बीच में जाएंगे और जब हमारी सरकार बनेगी तो हम लोग हिंदू को ही उसमें स्थान भी देंगे। अगर बिहार में बीजेपी के साथ सामंजस्य की स्थिति बनती है तो क्या आप लोग बीजेपी के साथ बिहार में गठबंधन करना उचित समझेंगे या फिर? देखिए बीजेपी की बात हम नहीं करेंगे चूंकि बीजेपी बहुत बड़ी पार्टी है, पूरे भारत में वो आज के डेट में छाई हुई है, बीजेपी से हम लोग की कोई तुलना ही नहीं है,
लेकिन हाँ हम इतना जरूर कहेंगे कि हमारी पार्टी हिंदुत्व की बात करके और जब सत्ता में आने का मौका मिलेगा तो हिंदुओं को छलने का काम नहीं करेगी। हम ऐसी पार्टी के साथ कदापि गठजोड़ नहीं करेंगे जो हिंदू हिंदू करके हिंदू को ही ठगने का काम करते हैं। वाइट नहीं हाँ वाइट हो गया। किससे है भैया? भारत न्यूज लाइव है। हाँ क्या कुछ एजेंडा है आगे के समय में पार्टी की और क्या परफॉर्मेंस रहा बिहार विधानसभा से वहाँ चुनाव में आप लोगों ने क्या किस तरह से शिरकत किया क्या कुछ रहा एजेंडा? हिंदू समाज पार्टी के बिहार प्रदेश कार्यकारिणी की तरफ से आज यह बैठक का आयोजन इसलिए किया गया है कि पिछले विधानसभा चुनाव में हमारी पार्टी की जो चुनाव का कार्यक्रम रहा उसमें लगभग 25 उम्मीदवार हमारी पार्टी की तरफ से बिहार प्रदेश में दिया गया। उसी चुनाव को लेके हम लोग आज समीक्षा बैठक कर रहे हैं एवं आगे हम लोग को बिहार प्रदेश में किस प्रकार से पार्टी को आगे बढ़ाना है और कितना तेजी से आगे बढ़ाना है इसी पर हम लोग समीक्षा बैठक आज करने वाले हैं। हिंदू महासभा पार्टी है आप? हिंदू समाज पार्टी? जी नहीं, हिंदू समाज पार्टी है। आप लोग के विचारधारा से संबंधित कोई पार्टी है बिहार में जिससे आप लोग तालमेल करके आगे चुनाव में या आगे? हिंदू समाज पार्टी सिर्फ बिहार प्रदेश की ही पार्टी नहीं है। हिंदू समाज पार्टी के बिहार के साथ साथ उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान और खुशी होगा कि असम में भी हमारा संगठन है और इस बार असम के विधानसभा चुनाव में भी हमारी पार्टी उम्मीदवार दे रही है। साथ ही साथ बंगाल में भी हम लोग उम्मीदवार देने पर विचार कर रहे हैं। रही बात बिहार की गठबंधन की, तो हम लोग आज तक यही सुनते आए हैं कि कुछ एक पार्टियां हैं जो कभी अन्य धर्म पे अन्य धर्म की बात करके सबको जनता को बरगलाने का काम किए हैं, लेकिन हम लोग सिर्फ हिंदुत्व की बात करते हैं और हिंदुत्व को हम लोगों ने अपना प्रमुख एजेंडा बनाया है और सिर्फ हिंदू हिंदू बोलकर और सत्ता में जब काबिज होने की बात बाढ़ी आती है बात आती है तो दूसरे धर्म के व्यक्तियों को हम लोग मौका देने का काम नहीं करेंगे। हम लोग हिंदुत्व के मुद्दे पर ही लड़ेंगे चुनाव, हिंदुत्व के मुद्दे पर जनता के बीच में जाएंगे और जब हमारी सरकार बनेगी तो हम लोग हिंदू को ही उसमें स्थान भी देंगे। अगर बिहार में बीजेपी के साथ सामंजस्य की स्थिति बनती है तो क्या आप बीजेपी के साथ बिहार में गठबंधन करना उचित समझेंगे या फिर? देखिए बीजेपी की बात हम नहीं करेंगे चूँकि बीजेपी बहुत बड़ी पार्टी है, पूरे भारत में वो आज के डेट में छाई हुई है, बीजेपी से हम लोग की कोई तुलना ही नहीं है। लेकिन हाँ हम इतना जरूर कहेंगे कि हमारी पार्टी हिंदुत्व की बात करके और जब सत्ता में आने का मौका मिलेगा तो हिंदुओं को छलने का काम नहीं करेगी। हम ऐसी पार्टी के साथ कदापि गठजोड़ नहीं करेंगे जो हिंदू हिंदू करके हिंदू को ही ठगने का काम करते हैं। अरे आइए ना बॉस। सड़ी 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 भैया आप सड़ी आप उस तरह की तो क्या हम दर्शन कर लें हमें ये आइए तो वो ज्वाइन हम कर दीजिए। ज्वाइन हम कर रहे हैं यहाँ पर ठीक लगेगा कलर तो हाँ तो बोलिए आप कुछ बोलना है क्या बोलना श्री कमल कमलेश तिवारी जी के दीप जलाकर उनके श्रद्धांजलि देंगे उसके बाद कार्यक्रम को आगे बढ़ाया जाएगा। कमलेश तिवारी अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। कमलेश तिवारी अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। किरण कमलेश तिवारी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। राष्ट्रीय संयोजक संतोष भारद्वाज जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। Thank you.